के हाथों को हिलाते हुए सबजन, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए चर्च। थैंक यू जीसस। अंगीकार करो हर एक अच्छे वचन का आपकी लाइफ के लिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होते हैं। हर एक अच्छे उस वचन का अंगीकार करो ऊंची आवाज में। हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक्स करो अपनी लाइफ के लिए परमेश्वर का। थैंक्स करो अपनी लाइफ के लिए परमेश्वर का। धन्यवाद करो ऊंची आवाज में। ऊंची आवाज में अपनी लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, अपने होंठों को खोलते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो धन्यवाद यीशु मेरी जिंदगी के लिए। अपनी आशीषों को गिनो, अपने हाथों को उठा के। अगर परमेश्वर ने आपको पास में छुड़ाया, आपको अकेला नहीं छोड़ा, उस बड़ी मुसीबत से निकाला, तो ये इस मुसीबत से भी निकालेगा। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आपको मनन करने आज, मेडिटेट करने की परमेश्वर की भलाई के ऊपर कि पास्ट में उसने मुझे छुड़ाया था, वो मेरे साथ था, तो अब भी वो मेरे साथ है। अगर आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं तो मनन करना है आपने अभी अपने हाथों को हिला के थैंक यू जीसस बोल के मनन करना है अपने मन में, अपने होठों को अंगीकार करते हुए कि वो परमेश्वर पास्ट में बीते हुए मेरे साथ था। वो अब भी मुझे छुड़ाएगा और मेरे साथ है। अपने हाथों को उठाओ, आपको ये प्रेयर मेरे साथ करनी है। उठाओ अपने हाथों को, आपको अंगीकार करना है परमेश्वर जो आपके पास्ट में, आपके बीते जीवन में आपके साथ था, उसने आपको छुड़ाया, आपको बचाया, उस मुसीबत से निकाला, तो वो अब भी आपको निकालेगा। पुरानी पास वाली प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम से बड़ी थी और परमेश्वर ने आपको छुआ, डिलीवर किया, वो अब भी आपको डिलीवर करेगा। तो आपने अंगीकार करना अपने होंठों को खोल के ऊंची आवाज में। दाऊद ने कहा था कि मैं शेर को जब मैंने मारा, भालू को मारा, तो ये खतना रहित पलिश्ती भी परमेश्वर मेरे हाथों में कर देगा। और परमेश्वर ने कहा तू अपने मुंह के फलों को खाएगा, तो अपने मुंह के फलों को हम खाएंगे। अगर हम बोलेंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमारे मुंह पे डिपेंड करते हैं। अपने होंठों को खोलो हर एक पॉजिटिव वर्ड के लिए, उसकी भलाई को याद करते हुए कि पास्ट में परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, वो अब भी मुझे छुड़ाएगा। ऊंची आवाज में
मैं आपको प्रार्थना करता हुआ देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन। आपका आमीन जितना लंबा रोच आपकी ब्लेसिंग उतनी बड़ी। अपने हाथों को उठा, बोलो हर एक डिस्ट्रेक्शन, हर एक शैतान का अटैक, अपने हाथों को उठाओ। सुनो, कुछ अटैक ऐसे हैं जिन्हें आप खत्म कर सकते हो। अपने हाथों को उठा, बोलो हर एक अटैक, हर एक डिस्ट्रेक्शन मेरी लाइफ के ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, शैतान की तमाम योजनाएं करो रिलीज फायर, करो रिलीज फायर, करो रिलीज फायर। अगर आप रोना नहीं चाहते, अगर आप हंसना चाहते हो तो, क्योंकि जीत उसी की हुई है जो जो लड़ा है, जिसने सोचा है उसकी नहीं, जिसने किया उसने। रिलीज फायर, रिलीज फायर, रिलीज फायर, आई रिलीज फायर, फायर 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 फायर। अपने डेस्टिनी के ऊपर, परिवार के ऊपर रिलीज फायर, फायर फायर फायर, रिलीज फायर, आई रिलीज फायर। हर शैतान के काम के ऊपर रिलीज फायर, पावर वर्सेस पावर। एक पावर जीतने वाली, या आपकी जो परमेश्वर की आपके अंदर है, या शैतान की। अब यूज कौन करेगा उस पावर को डिपेंड करते हैं। अगर आप करेंगे तो आप जीतेंगे। रिलीज फायर एंड पावर, उस सामर्थ्य रिलीज कर अपनी लाइफ के ऊपर, बच्चों के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर, बुलाहट के ऊपर, जिंदगी के ऊपर। फायर, रिलीज फायर। मैं बीमारियों को जाता हुआ देख रहा हूं, आपके पेट की बीमारियों को जाता हुआ देख रहा हूं, आंखों की बीमारियों को जाता हुआ देख रहा हूं। रिलीज फायर, फायर 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 फायर। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आप जो फायर रिलीज कर रहे हो, आपके रास्ते खोल रही है इस टाइम। आप जो फायर रिलीज कर रहे हो, मैंने कहा वो आपके रास्ते खोल रही है। दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही उस फायर के कारण, शैतान के काम खत्म हो रहे उस फायर के कारण। आज अपने हाथों को उठा के बोल रहे हैं फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ये फायर आपका ब्रांड है, ये फायर आपको ऊंचा करने वाली, ये फायर एनिमी के प्लान को नाश करने वाली। ऊंची आवाज वाला फायर, फायर रिलीज करो, फायर अपनी लाइफ के ऊपर रिलीज इट, रिलीज इट। ऊंची आवाज में फायर बोलते हुए, ये शैतान इस गर्मी में रह नहीं सकता। जो आत्मिक गर्मी यहां मौजूद है, दूसरी गर्मी कुछ भी नहीं। मैं आपको पोजीशन करता हूं, मैं आपको पोजीशन करता हूं अपनी आत्मा में, उस ट्रैक को पकड़ने के लिए, उस टेस्टिमनी को लेने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी फैमिली, आपकी लाइफ को पोजीशन करता हूं उस ट्रैक को पकड़ने के लिए, उस टेस्टिमनी को लेने के लिए। मैं घोषित करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, ये 7 वीक्स, ये 7 हफ्ते आपकी आजादी कर गवाही कर पोजीशन होने के होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी।
मैं आपको टच करता हूं आपकी स्पिरिट के अंदर, आप दर्शन पाएंगे, विजन्स पाएंगे, आप स्वप्न देखेंगे। आपकी पोजीशन को मैं पोजीशन, आपकी स्पिरिट को पोजीशन करता हूं, आपकी पोजीशन को मैं सेट करता हूं। हर एक रॉन्ग पोजीशन आपकी लाइफ के अंदर से जाती रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर वो अंधा रॉन्ग पोजीशन पे खड़ा होता तो कभी भी परमेश्वर से चंगा ना होता, क्योंकि बाइबल बताती है वो वहीं पे था जहां प्रभु यीशु मसीह जहां से निकल रहे थे। तो आपकी पोजीशन का सही होना, सही जगह पे होना शारीरिक रूप में और आत्मिक रूप में ये जरूरी है। अगर आप शमोन कोड़ी हैं तो यीशु मसीह आपके घर में आएंगे और तभी भी आप चंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मिक पोजीशन बिगड़ी हुई। वो परमेश्वर पे शक करता रहा और लोग चंगाइयां ले गए और वो खाली रहा। और अंधा जिसकी शारीरिक पोजीशन भी सही थी और आत्मिक पोजीशन भी सही थी, इसलिए उसने अपने कंधे से वो कपड़ा फेंक के परमेश्वर के पीछे गया था। वो कपड़ा एक सर्टिफिकेट था भिखारियों के लिए। वो दो मन होके परमेश्वर के पीछे नहीं गया कि अगर चंगा ना हुआ तो कपड़ा फिर से उठाऊंगा और भीख मांगूंगा। वो कपड़ा अपने पेट के अंदर डाल के नहीं गया, वो फेंक के गया। यानी उसकी आत्मिक और शारीरिक पोजीशन दोनों सही थी अपने मिरेकल को लेने के लिए, उसके स्पर्श को लेने के लिए। तो इस टाइम आपको अपने हाथों को बढ़ाना और उठाना है, आपके बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने लाइफ स्पिरिचुअल फिजिकल दोनों के लिए। और आपको बोलना है, परमेश्वर मुझे पोजीशन कर, मुझे सही जगह पे रख, मेरी आत्मिक और शारीरिक पोजीशन ठीक हो जाए। ऐसे बहुत से लोग आज चर्च में हैं जिनकी शारीरिक पोजीशन तो ठीक है क्योंकि वो चर्च में बैठे हैं, पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, कोई गर्लफ्रेंड के साथ चर्च में आया है और उनको पता है ये सही नहीं, तो इसका मतलब उनकी आत्मिक पोजीशन सही नहीं। तो अगर आपकी आत्मिक पोजीशन सही नहीं और आप नशा जेब में डाल के आए इसीलिए, तो आपको छूना परमेश्वर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी आत्मिक और शारीरिक पोजीशन दोनों सही होनी चाहिए। तो अपने हाथों को उठा उस नरक के शैतान की ओर और बोलो, यीशु मसीह के नाम में चला जा, और बोलो यीशु मसीह के नाम में जल जा, और बोलो यीशु मसीह के नाम में मेरी पोजीशंस अच्छी हो, आत्मिक और शारीरिक। बोलो जितनी अंधकार की शक्तियां पोजीशन के खिलाफ है, बोलो होली गोस्ट फायर, ले बो सोको मा नंदो नमस्ता के अंदर ना बोल खुद रुपे ला प्रस्तो कटक ले बो सोको टक ले प्रस्तो कटक होली गोस्ट फायर रिलीज करो फायर। मेरी आत्मिक पोजीशन, शारीरिक पोजीशन परमेश्वर जहां भी गलती उसे सेट कर दे ऊंची आवाज में, जहां भी गलती है परमेश्वर इसे सेट कर दे। मेरी आत्मिक पोजीशन, शारीरिक पोजीशन तुझ में सही हो, मांगो ऊंची आवाज में अपने बच्चों के लिए, सेट करो उन्हें आत्मा में, रिलीज करो फायर, उनकी पोजीशन सही हो। अपने परिवार के लिए उनकी पोजीशन सही हो, चर्च के लिए, पार्टनर्स के लिए, टीम के लिए उसकी पोजीशन सही हो, उनकी पोजीशन सही हो। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, आपको ऊंची आवाज में रिलीज करनी है फायर राइट नाउ। शैतान को भगाओ ऊंची आवाज में, अगर आवाज खुली है तो रास्ते खुले। होली स्पिरिट का अगर आवाज खुली है तो आप डॉक्टरों के पास अब चक्कर नहीं मारेंगे, ऑपरेशन कैंसिल है। अगर आवाज खुली है आपके बच्चे नशों से बाहर आ रहे हैं। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, मैं बोलूंगा होली गॉस्ट, आप बोलेंगे फायर। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, रिलीज करो फायर अपनी लाइफ के ऊपर, फैमिली के ऊपर, चर्च फैमिली के ऊपर, आत्मिक फैमिली के ऊपर, रिलीज करो फायर, 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 जितने बैक स्लाइडर पे फायर रिलीज करो,
बैक साइड लोगों पे फायर रिलीज करो, फायर 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 होली गॉड फायर ले तो रोको मकाला लंबा रबा चका ना मकाला ना बदला 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 कला के देख ले करे के देख देख ले करे के देख देख होली गॉड फायर होली गॉड फायर होली गॉड फायर फायर जो बैक साइड हो चुके प्रभु से पीछे हो चुके रिलीज करो फायर उनके ऊपर रिलीज करो फायर रिलीज करो फायर परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं तुमने इस संदेश सबको छुड़ा के लेके आएगा वापिस तेरा भाई वापिस आ रहे हैं तेरा बाप वापिस आ रहे हैं तेरा भाई वापिस आ रहे हैं तेरा परिवार वापिस आ रहा है मसीह में होली गोस्ट फायर रिलीज करो फायर नशे वाले पति के ऊपर लिखो रमा तकिया नंदो नबा संभ्रम सुख लिखो लुख लेख रेख टिका लाब्रिया मोसुका तुरी में की हमलर न सिंदा लाब्रियो सुको लाब्रो मा तक मकंदे लिब्रो सुको लोको लकरिया बस तंदा न बखुद ने बिंदर में से कम तंदिया न बना रब डक लेकरी लेकरी एक डेक डेक चके होलीकास 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 मैं आपको पोजीशन करता हूं अपनी आत्मा में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमी जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी मैंने कहा मैं आपको पोजीशन करता हूं मैं आपको सेट करता हूं आपके गवाही लेने के लिए प्रभु के साथ चलने के लिए आमी जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी ऊंची आवाज में हालेलुया ऊंची आवाज में हालेलुया मैंने कहा ऊंची आवाज में हालेलुया 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 बोलना आपकी जीत की निशानी है आपकी विक्ट्री की निशानी है आप जीत रहे हैं और जीत चुके हैं ये निशानी है आप आगे बढ़ रहे हैं ये निशानी है केवल हार रहे हैं ये निशानी है वो शर्मिंदा ये निशानी हालेलुया का बोलना आपके परिवार में गवाही आ रही हालेलुया का बोलना आपकी लाइफ में टेस्टिमनी एंटर कर रही है हालेलुया का बोलने का मतलब ये है हालेलुया का बोलने का मतलब ये आप बचाए जा चुके हैं आप स्वर्ग के अधिकारी हैं आप सल्वेशन पा चुके हैं शैतान की शक्तियां शर्मिंदा अगर हालेलुया ऊंचे तो सात बार बोलो हालेलुया ऊंचे वाले हालेलुया ऊंचा 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 हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो आप बदल चुके हो टेस्टिमनी आपके फेवर आप गए मैंने कहा अनुग्रह आप गए फेवर आप गए ग्रेस आपकी है आप में जितना लंबा ब्लेसिंग होती बड़ी तारीफ करो जोर से जोर से जोर से हालेलुया हालेलुया अपने पड़ोसी का स्वागत करो बोलो स्वागत है अपने पड़ोसी का स्वागत करो बोलो स्वागत है वेलकम वेलकम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड प्रभु की हजूरी में तेरा स्वागत है अपने पड़ोसी की ओर देखो उसे प्रोफेसी करो बोलो आज तू सेम वापिस नहीं जा रहा तेरे हंसने का दिन आ चुका है तेरी गवाही का दिन आ चुका है आज प्रभु तुझे गवाही देगा तू सेट होके वापिस जाएगा जाएगी आमीन तारीफ करो सब जन सब जन